वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, और इसके अलावा व्यूअर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी किस्म का कोई इश्यू हो या जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस चैनल में आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म के फॉल्ट को मैंने बताया हुआ है, ताकि आप लोग वीडियो देख के उसको जज कर सकते हैं कि चीज़ कैसे रिप्लेस करनी है और क्या क्या इशू है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज जो प्रिंटर मैं आप लोगों के साथ फॉल्ट रेट शेयर करने लगा हूँ वो है ये HP 1102 प्रिंटर है। इसमें पेपर जैमिंग का इशू था और स्लीव चेंज करनी है, टेफलॉन स्लीव जिसको कहते हैं, तो टेफलॉन स्लीव चेंज करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा और इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, प्रिंटर खोलता कैसे और स्लीव कैसे चेंज होती है और फ्यूज में कैसे बाहर निकलता है। तो चलो आइए देखते हैं। आपके इस प्रिंटर के अंदर ये मसला है कि ये पेपर जैम कर रहा है, जिस तरह आपको नज़र आ भी रहा है, ये पेपर ये बार बार पेपर को स्टक कर देता है और यहीं पे आके फ्यूजर के ऊपर पेपर को स्टक कर देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या बेसिकली मसला है जिसकी वजह से पेपर को बार बार जैम कर रहा है। तो हम आप इसको भी खोलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर से टोनर निकाल दें। ये इसका फ्रंट को करके प्रेस करा लिए इसको, फिर इस तरह की ये साइड है, दोनों साइड कवर नीचे सूखा होंगे इसके। ये इसका लॉक बना हुआ है, इसके बाद देखिए लॉक इसका ये है जो यहाँ पे एडजस्ट होता है, ये लॉक यहाँ से उसको अनलॉक किया, एक लॉक ये है उसका। इसका फ्यूजर निकालेंगे भी, पहले इसके फॉर्मेटेड कार्ड को अनप्लग करें।
उसके बाद ये इसकी वायर है फ्यूज़र की, इनको अनप्लग कर दें। इसके बाद ये एक अर्थ की तार है टोनर के अर्थ की, इसको अनप्लग करें यहाँ से। ये फ्यूजर का एक स्क्रू ही लगा हुआ है, उसको खोलें। ये स्क्रू ही लगा हुआ है। ये हमारा फ्रीजर ऊपर वाली फ्रंट पट्टी को ये देखें, ये आपके टेफ्लॉन स्लीव हाफ डैमेज है, जिसकी वजह से यहाँ से आपका पेपर बार बार स्टक हो रहा है। स्टक होने की बेसिकली वजह यही है कि आपकी टेफ्लॉन स्लीव डैमेज है। अब हम इसकी चेक कर लेते हैं कि इसका फ्यूजर यूनिट जो टेफ्लॉन स्लीव के नीचे लगा हुआ वो भी ओके है या वो भी डैमेज है। ये दो स्प्रिंग लगी हैं, तो यहाँ से इसको ये हमारे हीटर है, इस हीटर के ये वायर को यहाँ से अनप्लग करेंगे हम, ताकि हमारा हीटर जो है वो इजीली वायर निकल सके। ये हमारा प्रेशर रोलर जो पेपर का प्रेशर बनाता है, तो ये हमारा प्रेशर रोलर ओके कंडीशन में है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये देखें टेफ्लॉन स्लीव जो डैम हो जाएगी हमारे। हीटर को थोड़ा सा साफ कर लें, ताकि इसके ऊपर आए वक्त कोई भी जो डस्टिंग है, कोई कार्बन है, तो वो साफ हो सके। ये बेसिकली हमारा हीटर है प्रिंटर का, जो आपके प्रिंट को पेपर के ऊपर मेंशन करता है। ये प्रेशर रोलर है जो पेपर का प्रेशर बनता है।
अच्छा, ये सारी फ्यूज़र की वायर है जो पहले पहले अनप्लग की थी, ये फ्यूज़र की मेन वायर है जो हीटर की वायर है। अच्छा, ये सारी फ्यूज़र की वायर है जो पहले पहले अनप्लग की थी, ये फ्यूज़र की मेन वायर है जो हीटर की वायर है। मैंने अभी इसको लगाया है, अब ये टू पिन वाली है। कलर के साथ सिर्फ कलर बस मेंशन करना है, ये टू पिन में है। आपने चेक करना है कि ये थ्री पिन में है, ये टू पिन में है, तो यहाँ पे अब ये टू पिन है। इसी तरह ये थ्री पिन में है, ये भी थ्री पिन में ये हमारी वायर तकरीबन अनप्लग हो चुकी है। ये इसके टोनर की अर्थ की वायर है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का इस पत्र के साथ मेंशन होना जरूरी है, नहीं तो आपका अर्थ डिटेक्ट नहीं होगा। ये इसका टॉप कवर है,
अभी इसका टेस्ट पेज नहीं ले रहा, इसका टेस्ट पेज लेंगे। ये हमारा टेस्ट पेज है, ये था मेरा आज का थोड़ा सा मसला, जी टेफ्लॉन स्लीप का मसला था जो आपके सामने मैंने इसको रिप्लेस किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और मज़ीद आके शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।